मिलावट है तेरे इश्क में इत्र और शराब की, कभी हम महक जाते हैं कभी हम बहक जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बाज इंडिया। शराब लोगों का वो साथी है जो शायद किसी भी परिस्थिति में आपको अकेला नहीं छोड़ती, फिर चाहे आप खुश हो तब भी बोतल खुलेगी और या फिर आप गम में फिर तो जरूर खुलेगी। अरे आप ये सोचना कि हम शराब और शराब पीने वालों को समर्थन कर रहे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि हम शराब और शराबियों के बारे में बातें क्यों कर रहे हैं। क्या आपको पता है अगर आप कोई भी अवैध शराब बेचता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी या फिर पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। खबर मध्य प्रदेश से है जहां अब अवैध शराब बेचने वाले को फांसी मिलेगी। वो क्या है ना, मामा यानी कि सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आजकल कुछ अलग ही मिजाज में दिखाई दे रहे हैं। वो अपराध को रोकने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और किसी भी तरीके से अपराधियों को माफ नहीं करने वाले हैं। जहरीली शराब बेचने वालों को अब आजीवन कारावास और फांसी दी जाएगी। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने अधिकतम 10 साल की सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने अमानक और जहरीली शराब के निर्माण की बिक्री को लेकर आबकारी कानून में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम में संशोधन के बाद अवैध शराब के कारोबार में लगे व्यक्तियों को फांसी और 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान होगा। इसे लेकर कैबिनेट बैठक में सुझावों के लिए पेश किया गया जिसे मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होने के बाद अब इसे विधानसभा के पटल पर रखकर कानून की शक्ल दे दी जाएगी। 9 अगस्त से मध्य प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। फिलहाल अभी जो कानून मौजूद था उसमें अनुपयुक्त शराब विक्रय का दोषी पाए जाने पर कम से कम 2 साल की जेल और स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाने पर 2 साल का कारावास और मृत्यु के मामले में 10 साल तक की सजा हो सकती थी। वही 2 या उससे ज्यादा बार दोषी पाए जाने पर उम्र कैद तक की सजा हो सकती थी। अगर प्रदेश में शराब पीकर हुई मौत की बात करें तो हाल ही में मध्य प्रदेश में अलग अलग मामलों में जहरीली और अमानक शराब पीकर लोगों की मौत हुई थी। अक्टूबर 2020 में उज्जैन में 14, जनवरी 2021 में मुरैना में 12, बीते कुछ दिनों में मंदसौर में 6, खंडवा में 4 और इंदौर में 4 लोगों की मौत हुई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने शराब की तस्करी और उसका अवैध कारोबार रोकने के लक्ष्य से शराब की बोतलों पर 20 से अधिक सुरक्षा मानक युक्त QR कोड वाले होलोग्राम लगाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। वैसे तो अगर शराब बिक्री की बात करें तो एक आंकड़ा सामने आया है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आपको पता है कि गोवा से ज्यादा बिहार में शराब बेची जाती है, जबकि बिहार में शराब बिक्री पर रोक लगी हुई है। ये तो छोड़िए आप, अभी कुछ महीने पहले जब लॉकडाउन के बाद शराब के ठेके खुले थे तो आप सभी ने वो मनमोहक नजारा तो देखा ही होगा जहां लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी और सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तो आपको इसी बात से पता चल गया होगा कि देश में कितने मदिरा प्रेमी है। और हाँ, एक संदेश आपके लिए, मदिरा का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो कैसे लगे आपको हमारी ये स्टोरी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन बटन प्रेस करें और सब्सक्राइब करें।